गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम फिर से आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज कहीं भी बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, आज पूरा ब्लॉग घर पर ही बनाएंगे। तो क्या क्या करते हैं हम सुबह से उठकर और क्या कुछ करना है आज का? आज बिल्कुल फ्री हैं, बाहर कहीं नहीं जाना है, तो क्या प्लान बनाते हैं, घर पर क्या करते हैं, सारा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ब्रश कर लें क्योंकि अभी हाल ही उठे। हमने मुंह हाथ धो लिए, ब्रश कर लिया और सुबह से ही बारिश जैसा मौसम हो गया है। और ये देखो एरिका मॉम, बहुत सुंदर लगता है हमारे लिए। सुबह उठ के इसका चेहरा देखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो पूरी बगिया तैयार हो चुकी है और अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि छत पे घूमने चलते हैं। तो चलो छत पे घूमने चलते हैं और छत का व्यू दिखाते हैं। कुछ बादल वगैरह कितने सुंदर से लग रहे हैं। थोड़ी देर 10-15 मिनट के अंदर ही पानी आने वाला है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है और ये पेड़ वगैरह, बहुत शानदार मौसम है। तो आपके यहाँ कैसा मौसम है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो और कुछ बूंदें आने भी लगी हैं, 5 मिनट और बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगने लगी, उठते साथ भूख। तो आ गई है हमारी चाय, तो जल्दी से चाय पीते हैं बिस्किट के। वीडियो तो हमने बना ली है, अब पार्ले जी बिस्किट के साथ खाएंगे। ये जब भी हम ये बिस्कुट देखते हैं ना तो हमें वो बाबा जी याद आते, बिस्किट बिस्किट जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर हो पाएगा तो हम उनकी फोटो एडिटिंग के टाइम पे यहाँ पास में लगा देंगे। तो आप लोग तो बहुत समझदार हैं, समझ ही जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिस्किट हमको पता नहीं कि क्या बना रहा है, पर जो भी बनेगा ये सब्जियां तो कटेंगी। तो सबसे पहले ये सब्जी काट लेते हैं और फिर कुछ अच्छा सा बनाते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। तो आप बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए क्या करते हैं। देखो प्याज काट के ना आंसू आ गए, बहुत रोग आके बन रही है ये डिश जो भी बन रही है। अगर आपको दिखाएंगे बनाएंगे तो जरूर, चाहे कितनी भी आंसू आए। पूरी तरीके से प्याज आलू और शिमला मिर्च पक चुकी है या जल चुकी है ये तो हमें पता नहीं, शायद पक ही चुकी है। तो इसमें डालेंगे थोड़े से चावल, इसको करेंगे मिक्स। इसमें हमने डाल दिए नॉर्मल से मसाले, वो धनिया मिर्ची नमक यही सब, और फिर इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स हो गया है बट हमें थोड़ा चाइनीज फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए हम इसमें डालेंगे ये विनेगर और ये सोया सॉस, तो इसका टेस्ट थोड़ा चाइनीज। ये रहा फाइनल लुक और ये दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। देखिए पुलाव बनाने में ही पसीना पसीना हो गए और अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। तो ये हमने अपने लिए बनाए क्योंकि डिस्क्लेमर देके दूसरों को टेस्ट कराते हैं हम। अच्छे हैं, मम्मी को टेस्ट कराते हैं, थोड़े से देते हैं कैसे लग रहे हैं उनके लिए, हमें तो अच्छे लगे। तो इसमें थोड़े से मम्मी को टेस्ट कराने के लिए देते हैं कि कैसे लग रहे हैं। मम्मी मम्मी कहाँ हो, कहाँ पे खा रहे हैं? लो टेस्ट करके बताओ कैसे हैं, अंदर आ जाओ। बढ़िया बने, मुंह तो बिगड़ रहा हो। अच्छा चलो ठीक है, सही में अच्छे बने या ऐसे झूठे?
बढ़िया नहीं, चलो ठीक है। गाइस अभी हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स, जो इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम 1-2 घंटे रील्स देख लेते हैं आराम से और अपने दोस्त भाई बहनों को सेंड कर देते हैं, जिससे उन्हें लगे कि हाँ हम थोड़े टच में हैं। इसलिए पर आपके सामने रील्स नहीं दिखा सकते, वरना वही वाला लफड़ा कॉपीराइट। इसलिए हम रील्स नहीं, पर हम आपको बता रहे हैं हॉनेस्ट कि हम देख रहे हैं। और अब क्या करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, अब 9 बजे से बिग बॉस स्टार्ट हुआ तो बिग बॉस देखेंगे और फिर कुछ खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तभी तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, अभी ब्लॉग का एंड नहीं हुआ है, एंड करेंगे। तो इनके ब्लॉग की चल रही है एडिटिंग और ये सुपर बिजी है। हाँ, क्योंकि ब्लॉग की एडिटिंग हो गई है, हम बना रहे हैं अपना थंबनेल। ओह माय गॉड, इनका काम है हमें डिस्टर्ब करने का। ये कर रही हैं, बस ये हमारी ऊट पटांग वीडियोस लेने में माहिर हैं, तो ये हमारी ले रही हैं। बस यही बताना चाह रही होंगी कि ये देखो कैसे पड़ी है, ये ऐसे बना रही है। तो देखो हम थंबनेल बना रहे हैं जो कि आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसी बात है, पता नहीं कैसी बात है। लेकिन हमारा थंबनेल आज हमारा मन, वैसे हम एक फोटो का बनाते थे ठीक है, बट अब हमारा मन कर रहा है कि हम 4 फोटो का बनाए जैसे हम बनाते आए हैं ठीक है। हम वो 4 फोटो का थंबनेल बना रहे हैं। एक का एक दिन डाला था, गुस्से में थे हम बहुत ज्यादा ठीक है। अब हमने सोचा गुस्सा छोड़ दो जिम्मी, बना लो बस, अब 4 फोटो का बना रहे हैं। और इसमें हमने बार्बी डॉल भी ऐड की है। हम 1 फोटो का थंबनेल बनाएंगे और कल की वीडियो के लिए तो थंबनेल ऑलरेडी बन चुका है। हैं मतलब कि आज की वीडियो के लिए थंबनेल बनाएंगे, कुछ सेल्फी लेंगे प्यारी प्यारी सी, ये वाला थंबनेल बनाएंगे, ये वाला। तो अभी तो हो गई है बहुत रात, इसलिए आज तो ये ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, कल से फिर न्यू ब्लॉग बनाएंगे। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी मजेदार सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।